न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ व प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के दबाव में शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने कमेटी गठित करने की अधिसूचना जारी की, लेकिन अभी भी कमेटी गठित नहीं हुई है। न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने 31 दिसंबर तक सरकार को कमेटी गठित करने व 31 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट देने का अल्टीमेटम दिया है। सरकार अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो आगामी बजट सत्र में लाखों कर्मचारी विधानसभा के बाहर हल्ला बोलेंगे। न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने शिमला में कहा कि एनपीएस न्यू पेंशन नहीं बल्कि नो पेंशन स्कीम है। इसमें कर्मचारियों के पैसे का ब्याज मात्र मिलता है। एनपीएस का पैसा पेंशन के नाम पर कंपनी के पास जा रहा है, इससे सरकार व कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। सरकार को तुरंत एनपीएस को बंद कर ओल्ड पेंशन को लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कमेटी का गठन की अधिसूचना जारी की गई, लेकिन कमेटी नहीं बनी है। 1 जनवरी को गेट मीटिंग की जाएगी जिसमें आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। सरकार ओल्ड पेंशन बहाल नहीं करती है तो संघ बजट सत्र का घेराव करेगी जिसमें प्रदेश के 1 लाख कर्मचारी शामिल होंगे। यह प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक ओल्ड पेंशन बहाल नहीं होती। सरकार को कमेटी गठित करने के लिए हमें जो है 31 दिसंबर 2021 तक का समय दिया है और उसके बाद हम जो है 1 तारीख को गेट मीटिंग करने वाले हैं और उसमें कर्मचारी की तरफ से जो भी हमें सुझाव आएंगे उस तरह से हमारी आगे की जो महीने दो महीने की रणनीति होगी हम सरकार का रुख देखेंगे। सरकार कमेटी गठित करती है तो कमेटी की हम स्पीड देखेंगे, वो किस तरह से हमारा काम कर रही है। और 31 जनवरी तक हमने कमेटी को भी समय दिया है, अगर गठित भी करती है तो 31 दिसंबर तक जो है कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट करे और वो रिपोर्ट जो है जब आएगी तो फरवरी महीने में हम चाहेंगे कि हमारी पेंशन बहाल हो। देखिए इसमें 1,20,000 के आसपास कर्मचारी हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी ये बताया कि इसमें जो है सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ 500 करोड़ के आसपास जो है सरकार को हर वर्ष पेंशन के रूप में देने पड़ेंगे, जबकि आज की डेट में जो है 1200 करोड़ जो है सरकार अपना और कर्मचारियों का पैसा एनएसडीएल को दे रही है। उल्टा सरकार को 700 करोड़ का फायदा इसमें होने वाला है। अगर फरवरी तक बहाल नहीं करती है सरकार पेंशन तो आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारे मार्च महीने में 1 लाख से अधिक कर्मचारी शिमला पहुंचेंगे, विशाल धरना प्रदर्शन शिमला में होगा। जी बिल्कुल, उसमें जो बजट सत्र चल रहा होगा उसका घेराव होगा और हम तब तक शिमला में डटे रहेंगे जब तक हमारी पेंशन जो है बहाल नहीं होती। मैं प्रदीप ठाकुर, अध्यक्ष नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।